दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज लरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है उसके डेफिनेशन के बारे में हमने बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो हमने वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डेफिनेशन के बाद हमने ये बताया था कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ सूटेबल मेथड होते हैं, उन्हीं मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड आ रहा था, वो फर्स्ट मेथड जो था वो वेरिएबल सेपरेबल करके था। तो वेरिएबल सेपरेबल के बारे में भी हमने पिछले ही वीडियो में बात की है। तो हमने वहाँ पर एक तरह का रिजल्ट पाया था इस तरह से, f1x dx = f2y dy। तो यहाँ पे आपको कहा गया था कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, हमने कहा था कि x की तरफ यानी dx है तो x की तरफ केवल x का फंक्शन होना चाहिए और dy यानी y की तरफ केवल y का फंक्शन होना चाहिए। तो ये सेपरेटेड फॉर्म में है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। तो अगर यहाँ पे सेपरेटेड फॉर्म में है अगर ये, तो आखिर में इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे आज कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो जब भी दोस्तों अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेटेड फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर सपोज कर लें कि हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, तो आप क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे देखा f1, ये आपका सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का, f1x dx = f2y dy इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा, प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये जो c है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो राइट हैंड साइड में ही ऐड हो, वो आप चाहे इधर ऐड कर सकते हैं चाहे इधर, आप बिल्कुल फ्री हैं। तो किधर भी ये ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो c है, हम कह सकते हैं वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो c है, इसकी जगह हम कांस्टेंट में tan c ले सकते हैं या tan इनवर्स c, sin c, एक्सपोनेंशियल की पावर सी ये भी कांस्टेंट है, लॉग सी। तो बहुत सारे आपके जैसे भी आपके क्वेश्चन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को चूज करेंगे। तो जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे हम बताएंगे कि वहाँ पे आपको कांस्टेंट किस तरह से लेना है। फिलहाल तो इस तरह के वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। तो फिलहाल आप यही समझेंगे कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको इंटीग्रेशन करने के बाद ही मिलेगा, यानी जो रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे c की जगह आप tan इनवर्स c, sin c, एक्सपोनेंशियल की पावर c, log c और इसी तरीके से जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी वो भी एक तरह से कांस्टेंट ही होती हैं। तो हम जानेंगे कि उनका किस तरह से यूज करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर में वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म आखिर में है क्या, और तो उसके क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं।
सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। हमने कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को कैसे पहचानना है। यहाँ पे डी वाई आ रहा है, यहाँ पे डी एक्स आ रहा है, डी वाई डी एक्स। तो आप इसको देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था पहचानने का तरीका वीडियो, पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे वी हैव, जो है इसको हम क्या करें, लिख लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। तो जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सेपरेटेड फॉर्म में है, जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेटेड फॉर्म में हैं, अलग अलग हैं। तो आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे डी वाई है यानी वाई है, तो वाई के साथ हमेशा एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि वाई के साथ हमेशा वाई का फंक्शन होना चाहिए और एक्स के साथ हमेशा एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का फंक्शन है, यानी इसको हम लोग डी एक्स की तरफ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और डी वाई है यानी वाई वाई में फंक्शन है, तो इस वाई वाले फंक्शन को इधर की तरफ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। आप जानते हैं किस तरह से क्या करना है, हम कह सकते हैं इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको इधर की तरफ रिप्लेस करेंगे तो वो डिवाइड करेगा इसको, डी वाई को, एंड इसको आप इधर रिप्लेस करें तो ये देगा डी एक्स अपान, डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आया। अब आप ये देखें कि क्या ये सेपरेटेड फॉर्म में है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये x का फंक्शन है, ये x dx है, और यहाँ पे dy है और y का फंक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेपरेटेड फॉर्म में है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जब भी आप इस तरह से अलग अलग x और y को करेंगे, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो dy और dx है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, यानी इस तरह से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज करके बना लीजिए। तो डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका है। अब ये y वाला y की तरफ, x वाला x की तरफ है, मीन्स ये सेपरेटेड फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं हियर हियर वेरिएबल्स बीइंग सेपरेटेड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो सेपरेटेड हो रहे हैं, यानी हम यहाँ पे बीइंग की जगह आर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो हम क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। तो हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को ऐड किया है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप पहले से ही पढ़े हैं आप, बल्कि एक तरह का इस तरह का डायरेक्ट आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन आप डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टैन इनवर्स एक्स। एक फार्मूले के रूप में आपने इसको सीधे सीधे पढ़ा है कि इतने इज इक्वल टू इतना होता है। तो अगर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो आप जाहिर सी बात है इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स वाई। तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन ये प्लस एनी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम कैसे चूज करेंगे, आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे टैन इनवर्स आ रहा है, यहाँ पे भी टैन इनवर्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हर जगह आपका टैन इनवर्स में आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट है
उसको भी आप टेन इनवर्स फंक्शन में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एज ए कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स आप सी कर लें, स्मॉल सी का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे हम कैपिटल सी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्मॉल सी। तो ये आ गया। अब चाहें तो दोस्तों आप इसको इधर की तरफ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप इसको इधर की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इट मीन्स ये देगा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स सी। तो आप देखें कि आपका ये रिजल्ट आ गया, इसको हमने इधर की तरफ रिप्लेस किया है। और एक दोस्तों आपने जो एक फार्मूला पढ़ा होगा, उस फार्मूले में आपको ये बताया गया होगा कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तरह से ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह, इज इक्वल टू आपका होता है tan इनवर्स, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं tan इनवर्स a माइनस b अपॉन वन प्लस ए बी। इनका क्या किया जा सकता है, प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो ये एक हम फार्मूले के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ए की जगह आप वाई इस्तेमाल कर रहे हैं और बी की जगह आप एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान वन प्लस वाई एक्स या एक्स वाई भी आप लिख सकते हैं, वाई एक्स या एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। ये आ गए। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि टेन इनवर्स यहाँ पे कुछ है एक्स वाई फंक्शन इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि टेन इनवर्स यहाँ पे भी है, टेन इनवर्स यहाँ पे भी है, मीन्स दोनों जगह एक ही फंक्शन है और ये पूरा रिजल्ट बराबर है। तो दोनों जगह यहाँ पे भी यही फंक्शन है, यहाँ पे भी वही फंक्शन है और ये पूरा रिजल्ट जो है वो इस रिजल्ट के बराबर है, पूरा रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिजल्ट होगा वो इस सी के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई माइनस सी अपान वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये हो सकता है, या आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं सर, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आर वाई माइनस सी इज इक्वल टू सी इंटू वन प्लस एक्स वाई। यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है बट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो विच इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप चाहेंगे तो ये वाला जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इस वाले फार्मूले को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ठीक बगल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के ये आप लिख सकते हैं फार्मूला। और आप ये भी यहाँ पे समझेंगे कि इस वाले रिजल्ट के बाद ये आया और इसके तुरंत बाद ये आपका आ गया और उसके बाद हमने ये लिखा है। तो ये बस आपको बताया गया है ऊपर वाला। तो दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो हमने बस यही बताया कि जो भी अगर वेरिएबल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अगर सेपरेटेड फॉर्म में है तो आप उसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे, और अगर वो सेपरेटेड फॉर्म में नहीं है तो आप क्या करेंगे कि उसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग करेंगे, जो भी आपके एक्स वाई वेरिएबल्स हैं उनको आप क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, और तब जाकर उसका आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जब आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी आपका एक तरह का नया इक्वेशन आता है वही उसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स या डी वाई डी एक्स नहीं है। हमने शुरुआती वीडियो में ही बताया था आपको कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे तो वहाँ आपको डी वाई डी एक्स देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे पा भी रहे हैं कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं है। तो आपको ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।